अभी अजमेर आए हैं, झुंझुनू से चल के आए हैं, इतनी दूर आए हैं। कोई लड़के बीकानेर से हैं, कोई हनुमानगढ़ से हैं। यहाँ पे बस ये कि मुद्दा है कि जो कम नंबर वाले लड़के हैं उनका फर्स्ट में पैनल में नाम डाल रहे हैं, उससे हमारे सीनियरिटी में फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा नहीं है कि जैसे मेडिकल में जो लड़के अनफिट हुए थे, लोको पायलट टेक्नीशियन में, उनकी उन्होंने लिस्ट भी नहीं डाली है, और जब हम आते हैं तो हमें बात भी ढंग से नहीं करने दे रहे हैं, जिससे सीनियरिटी का फर्क पड़ रहा है। जैसे हम 50 नंबर वाले जो जिसके नंबर कम है ना, उसको ये पहले बुला रहे हैं, जिसके नंबर ज़्यादा है उनको बाद में बुला रहे हैं। और ये कोई मेडिकल जैसे अनफिट हुए उनकी लिस्ट कुछ नहीं निकाल रहे हैं। और अभी 3 महीने से पेनल डाला इन्होंने, और अभी पेनल डाला 686 लड़कों का पेनल डाला है। उसके बाद 3 महीने हो गए, इन्होंने टोटल 3 पेनल डाल दिए। एक तो 415 का डाला है, एक 15 लड़कों का डाला है, एक 686 का डाला है। आज आप किससे मिले हैं यहाँ? आप हम सचिव और चेयरमैन से मिलने आए थे यहाँ पे, हमें मिलने नहीं दिया। और हमने हमारे जो मुद्दे दिए थे उनका स्पष्ट जवाब हमें नहीं मिला है। क्या मुद्दे हमें जैसे कम नंबर वालों को आपने कैसे डाल दिया? जैसे हम दोनों दो लड़के हैं, इन्होंने सेम पोस्ट प्रिफ्रेंस होती है दोनों की, और तब कम नंबर जिसके एक के 50 नंबर है, एक के 70 नंबर है, तो 50 वालों को आपने पैनल में नाम डाल दिया, और जिसके 70 नंबर उनका पैनल में नाम नहीं डाला। जब हम पूछ रहे भैया 70 नंबर वाले का नंबर क्यों नहीं डाला, तो स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हमें। बोले अंदर की बात। नाम, मेरा नाम दीपेश कृष्णिया है, झुंझुनू से आया हूँ। कि 2018 में वैकेंसी निकला था CN01/2018 लोको पायलट और टेक्नीशियन का, तो उसमें अभी इन्होंने रिजल्ट निकाला है। अब रिजल्ट में बात ये हुआ है, इन्होंने अभी तक टोटल 3 पैनल निकाल दिए हैं। 3 पैनल निकालने के बाद मुद्दा ये हो रहा है कि जिनके नंबर कम थे उनका नंबर आ चुका है, उनको मतलब उनका अभी ट्रेनिंग शायद स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जिनके मार्क्स 83 हैं और मतलब ज़्यादा नंबर है उनका नंबर नहीं आ रहा है। तो हमारा आज ये कहना था कि जो तुम्हारे जिस बेसिस पर तुम सिलेक्शन कर रहे हो, वो उसका आंसर हमें सही दिया जाए। तो उस बात का आंसर हमें अभी तक सही नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो RRB के जो ऑफिशियल मेंबर है, उन्होंने अभी तक ना तो वो बाहर आके उन्होंने कोई रिप्लाई दिया है, और कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया गया है। तो हमारा इनसे जो कहना था कि एक बार हमें ये पता पड़ जाए कि तुम्हारा जो सिलेक्शन का जो बेसिस है, किस बेसिस पे तुम पैनल बना रहे हो, वो पता पड़ जाए, तो हम भी यहाँ से इतनी दूर से आए हैं, तो जो और भी जो कोई कहाँ से आ रहा है तो सेटिस्फाई हो जाए। कहाँ कहाँ से आए? ये जोधपुर से आए हैं, बीकानेर से आए हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो हमारा एक ही मुद्दा था कि हमें पता लिया जाए। रिजल्ट में पारदर्शिता नहीं है। मेरा नाम अजय।